आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ई संजीवनी कार्यक्रम, यक्षमा नियंत्रण कार्यक्रम एवं फाइलेरिया उन्मुखीकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी को संबोधित करते हुए निर्देशित किया गया कि अपने अपने चिकित्सकों को समय से ओपीडी में बैठने हेतु निर्देशित करें, साथ ही साथ सभी मरीजों की जांच प्रातः 8 बजे से प्रारंभ कर दें। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक को निर्देशित किया गया कि टीकाकरण से सभी छूटे हुए बच्चों को सभी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा उपाधीक्षक सदर अस्पताल गोपालगंज को निर्देशित किया गया कि अस्पताल में फेस स्कैनर कैमरा स्थापित करवाना सुनिश्चित करें, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा सत्र नियमित रूप से आयोजित करवाना सुनिश्चित करें तथा सभी दवा दुकानदारों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि टीबी के मरीजों को पोर्टल नोटिफाई किए बिना टीबी की दवा नहीं दें। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के दरगाह मोहल्ला निवासी अली अहमद हुसैन का बेटा साकिब हुसैन आईपीएल 2024 प्लेयर ऑक्शन के लिए नीलामी की सूचना में शामिल हुआ है। साकिब के आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार के साथ जिले में खुशी का माहौल है। फिलहाल साकिब बेंगलोर में है और इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। साकिब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। चेन्नई सुपर किंग में नेट बॉलिंग के रूप में पहले भी चयनित साकिब का बेस प्राइस 20 लाख रुपया है। आपको बताते चले कि दरगाह मोहल्ला निवासी साकिब के पिता अली अहमद हुसैन पेशे से सेंटरिंग मजदूर हैं। चार भाइयों में तीसरे स्थान पर साकिब बचपन से ही क्रिकेट के प्रति लगाव रखता था। शहर के मिंज स्टेडियम में दौड़ने जाता था, जहां क्रिकेट के खिलाड़ियों को देखकर उसके मन में भी ये तमन्ना जगी कि वो भी एक बेहतर क्रिकेटर बनकर परिवार और जिले का नाम रोशन करेगा। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद साकिब क्रिकेट के दुनिया में कदम रख दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। साकिब ने फोन पर बताया कि मेन स्टेडियम में हुए देवधारी गिरी टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला था, जिसमें बॉलिंग के लिए चयन हुआ था। इसके बाद 2021 में पटना में होने वाले बिहार क्रिकेट लीग में शामिल हुआ। इसके बाद अंडर 19 खेलने चंडीगढ़ गया, जिसमें हाईएस्ट विकेट टेस्ट था। इसके बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में शामिल हुआ। इसके बाद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने का मौका मिला, जिसमें लाइव प्रसारण हुआ था। लाइव प्रसारण के दौरान ही बेहतर प्रदर्शन को देखकर केकेआर मुंबई, दिल्ली, आरसीबी चेन्नई से बुलावा आया। इसके बाद नेट बॉलर चेन्नई के लिए चयनित हुआ। उन्होंने बताया कि ट्रायल देने जब दिल्ली गए थे, तब ट्रायल देखकर महेंद्र सिंह धोनी और सौरभ गांगुली ने मुझे काफी अच्छा प्लेयर बताते हुए सराहना की। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को दुबई में होने वाले भारत के 214 खिलाड़ियों में गोपालगंज के साकिब भी होंगे शामिल। मुकेश के बाद नए साकिब के नाम आईपीएल में शामिल होने के बाद जिले के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। बात है, बहुत खुशी की बात है कि दुबई में उनका जो है नाम आया है, बहुत खुशी की बात है। और हम यही चाहते हैं कि जो है इंडिया टीम में भी उनका जो है शामिल हो, जो बहुत खुशी की बात है। देश के लिए खेले वो, इंडिया के लिए खेले, हमको बहुत खुशी की बात है। नाम मेरा नाम अली अहमद हुसैन है। शुरुआत मतलब जैसे हम स्टेडियम में वो जाते थे, रनिंग सीनियर प्लेयर खेलते थे तो उन लोगों को देखते थे, तो मतलब उनके अंदर था कि हम भी कर सकते हैं। जब शाम को जब फ्री होते थे तो एक एक घंटा बॉलिंग करते थे और उनके अंदर था कि हम ये कर सकते हैं। और ये है कि उनका सिलेक्शन हुआ है आईपीएल ऑक्शन में। हम लोग का कामना है कि आईपीएल खेले और इंडिया का नाम रोशन करें। कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है उनको देख के, हम लोग को भी सीख मिलता है। उनकर बचपने से ये अथी रहला, ये इरादा रहला कि हम क्रिकेट खेले आ क्रिकेट के पीछे एकदम पागल रहतला है। ना उनका खाए के ठीक रही, ना पिए के ठीक रही, आ ना कबो घर रही है चैन से। जब देखो तो धूप में पानी में दुनिया दुनिया क्रिकेट खेले के फेल पढ़े के उतना उनका अथी ना रहे, क्या ना रहे। आई पी एल में उनका ऑप्शन हो बहुत खुश बानी हम सब। जहाँ भी उनकर आई चैनल पर हम देखम तो बहुत खुश हो गए। पूरा परिवार, पूरा बिहार के, पूरा गोपालगंज, पूरा रिश्तेदार, जितना गांव जवार के
जितना घर मोहल्ला सब लोग बहुत खुश मांग कर ये चीज देख के बहुत खुश मांग। क्या नाम बताओ? हमारा नाम थावे बाजार में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने मेडिकल दुकान का ताला तोड़कर 45,000 रुपए सहित अन्य कागजात की चोरी कर ली। ये घटना थावे बाजार के जय गुरुदेव मेडिकल हॉल की बताई जा रही है, जिसको लेकर मेडिकल दुकानदार उसका गांव थाना के वृंदावन गांव के संतोष कुमार पंडित ने थावे थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने रखा था पीढ़िया व्रत। अपनी अपनी पीढ़िया को जलाशय में विसर्जित करने पहुंची थी। नदी पोखर झरई घाटों पर गोवर्धन पूजा एवं भैयादूज से शुरू हुआ लड़कियों का लगभग एक महीने तक चलने वाला त्योहार पीढ़िया का विसर्जन के साथ विभिन्न घाटों पर लगा मेला। ब्रह्म मुहूर्त में क्षेत्र के विभिन्न गांवों की लड़कियों का जत्था अपनी अपनी पीढ़िया लेकर विजयपुर के मारण घाट खनौर नदी किनारे पहुंचने लगी। किसी जत्था में तो डीजे के साथ नृत्य करते हुए लड़कियां घाटों पर पहुंचकर अपनी पीढ़िया का विसर्जन करते हुए मेला का आनंद लेती नजर आई। लड़कियों की जितनी भीड़ नदी घाटों पर थी उससे ज्यादा पुरुषों की भीड़ मारण पुल पर नजर आई। मेला परिसर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहने के कारण पुल पर भीड़ काफी नजर आई। भीड़ भाड़ में गाड़ियों का आवागमन में दिक्कतें होने लगी थी। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के बघेजी पंचायत के बलहा में पिछले दिनों बिजली से हुई अगलगी की सूचना मिलने पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश गर्ग घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले, तो वहीं उन्होंने अंचलाधिकारी बरौली से भी दूरभाष पर संपर्क कर सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की और अपने तरफ से लगभग 25 परिवारों को कंबल एवं अन्य आवश्यक सामग्री दिया। मौके पर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शकील अख्तर, जिला से राकेश कुमार तिवारी, सतार अली, पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम, मैनू खक, तेजारत हुसैन, संतू कुमार, सुब्राती मियां, जुनेद आलम, नूर कमल आदि लोग उपस्थित थे। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। एडू हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। एडू हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। पंचदरी प्रखंड सभागार में गुरुवार को पदाधिकारी व जन प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने की। बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान विधायक ने जन प्रतिनिधियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसको लेकर रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है। सभी लोग युद्ध स्तर की तरह काम करें, तब जाकर सुदूर ग्रामीण इलाके में गरीब तबके के लोगों तक विकास की लौ पहुंचेगी। बैठक को संबोधित करते हुए हथुआ STO राकेश कुमार ने वृद्धा पेंशन, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई योजनाओं की जानकारी दी। वहीं विशिष्ट अतिथि जिले के पूर्व अध्यक्ष मुकेश पांडे ने सभी जन प्रतिनिधियों से विकास योजनाओं को गति देने की अपील की। बैठक के बाद 20 दिव्यांग जनों के बीच ट्राई साइकिलिंग का वितरण भी विधायक ने किया। युवा जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष दीपू शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष राज्य संकल्प यात्रा निकाली गई। केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही उपेक्षा के विरुद्ध विशेष राज्य संकल्प यात्रा गोपालगंज अतिथि गृह से मोनिया चौक तथा पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए अम्बेडकर चौक तक निकाली गई। जदयू के सभी महानायकों को जदयू कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस यात्रा में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह सहित सैकड़ों जदयू कार्यकर्ताओं इस यात्रा में शामिल हुए। युवा जदयू प्रदेश के नेता नीतीश पटेल ने कहा कि पार्टी के युवा प्रकोष्ठ की ओर से मोदी सरकार के द्वारा बिहार की अपेक्षा के विरोध में विशेष राज्य संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी का युवा प्रकोष्ठ बिहार के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता रवैये को जन जन के बीच पहुंचाएगा। हमारी पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2006 से ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है और हमारा स्पष्ट मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है। इसको लेकर पार्टी ने व्यापक पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया था और बिहार के दोनों सदनों से प्रस्ताव भी पारित किया गया। जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हुआ तब भाजपा हमारे साथ ही
और राज केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी विशिष्ट राज्य के दर्जे पर आनाकानी की जा रही है। राम सेवक सिंह कुशवाहा ने बताया कि बिहार झारखंड अलग होने के बाद राज्य का 67% आय का स्रोत झारखंड में चला गया, जबकि आजादी का 65% हिस्सा बिहार में था और मात्र 35% हिस्सा झारखंड में। बंटवारे के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था अब कृषि पर ही आधारित है, लेकिन प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ की वजह से कृषि व्यवस्था भी चरमरा गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार आर्थिक विषमता की मार झेल रहा है और इस आर्थिक विषमता के साथ विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर नोडल रेड अभियान चलाकर शराब के मामलों में 48 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 30 लोग शराब के नशे में पकड़े गए तो वहीं 18 लोग शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किए गए। इनमें 2 लोगों को दूसरी बार शराब के नशे में पकड़ा गया है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गोमती छपरा कचहरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15113 से यात्रा कर रहे एक यात्री की लैपटॉप अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई, जिसको लेकर यूपी के जिला लखनऊ के लखनऊ फैजाबाद रोड स्प्रिंग ग्रीन अपार्टमेंट के राजेश कुमार ने थामे रेल पीपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में राजेश कुमार ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को गोमती नगर छपरा कचहरी गाड़ी से गोरखपुर से कोच संख्या E1 सीट नंबर 39 पर बैठकर दिगवा दुबोली आ रहा था। इसी क्रम में थामे जंक्शन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा बैग की चोरी कर ली गई। बैग में लैपटॉप, पर्स, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड आदि कागजात था, जिसको लेकर राजेश कुमार ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थावे रेल पीपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो गोपालगंज की खास खबर में इतना ही, धन्यवाद।